हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज आज मैं आपके सामने अगस्त 2024 का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आई हूं आने वाले एग्जाम्स की में सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन अचानक मार टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट हाल ही में खबरों में रहा अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ या उड़ीसा करेक्ट आंसर इज सी छत्तीसगढ़ और ये किसलिए खबरों में रहा था क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या पांच से बढ़कर दस हो चुकी है क्वेश्चन टू स्वप्निल कोसले रिसेंटली वॉर्न अ ब्रॉन्स मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024 स्वप्निल कुले ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता शूटिंग बॉक्सिंग रेसलिंग या बैडमिंटन करेक्ट आंसर इज ए शूटिंग क्वेश्चन थ्री विच इज दोडल मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड रिसेंटली सीन इन न्यूज हाल ही में खबरों में रहा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का नोडल मंत्रालय कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द करेक्ट आंसर इज सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेशन क्वेश्चन फोर रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप फॉर थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़ हाल ही में किस मंत्रालय ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्वेश्चन फाइव थालेश्वर टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट हाल ही में खबरों में रहा थालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है कर्नाटका तमिलनाडु उड़ीसा या बिहार द करेक्ट आंसर इज बी तमिलनाडु क्वेश्चन सिक्स रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 इन विच सिटी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया जैसलमेर विशाखापट्टनम कोची या मुंबई द करेक्ट आंसर इज बी विशाखापट्टनम क्वेश्चन सेवन रिसेंटली विच स्टेचुरी बॉडी हैज इनाइग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाल ही में किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द करेक्ट आंसर इज सी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 2024 2024 हाल ही में किस राज्य ने जेल और सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु या केरला महाराष्ट्र क्वेश्चन नाइन रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश गुजरात हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन टेन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इंडिया ऑन नाइनटीन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर उन्नीस अगस्त दो हजार चौबीस को मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए उनका नाम क्या था महतीर मोहम्मद अनवर इब्राहिम नजीब रजाक या मुहिदीन यान द करेक्ट आंसर इज बी अनवर इब्राहिम क्वेश्चन इलेवन विच कंट्री सिक्योर्ड सिल्वर मेडल एट द मेरुहबा कप अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारुहाबा कप में किस देश ने रजत पदक हासिल किया जापान इंडिया चाइना या फ्रांस द करेक्ट आंसर इज बी इंडिया क्वेश्चन ट्वेल्व हुईड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिसेंटली हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सुमन शर्मा प्रीति सुदान प्रदीप कुमार जोशी या राजीव नयन द करेक्ट आंसर इज बी प्रीति सुदान क्वेश्चन थर्टीन झुमूर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म इन विच स्टेट हाल ही में समाचारों में रहा झुमूर किस राज्य में किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है नागालैंड सिक्किम असम या मणिपुर द करेक्ट आंसर इज सी असम क्वेश्चन फोर्टीन विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है आठ अगस्त नौ अगस्त दस अगस्त या ग्यारह अगस्त द करेक्ट आंसर इज बी नौ अगस्त क्वेश्चन फिफ्टीन रिसेंटली विच थ्री नेम्स वर गिवन टू द अंडर वाटर स्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशियन हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से तीन नाम दिए गए अशोक चंद्रगुप्त एंड कालपत्रु महात्मा नेहरू एंड गांधी हिमालय गंगा एंड कृष्णा या शिव विष्णु एंड ब्रह्मा द करेक्ट आंसर इज ए अशोक चंद्रगुप्त एंड कालपत्रु क्वेश्चन सिक्सटीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनाग्रेटेड द जीएसटी भवन इन विच सिटी केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया वाराणसी पटना उदयपुर या शिमला द करेक्ट आंसर इज सी उदयपुर क्वेश्चन सेवनटीन हाउ मेनी न्यू हैव बीन अनाउंस टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है थ्री फोर फाइव या सिक्स द करेक्ट आंसर इज सी फाइव क्वेश्चन एटीन विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या तमिलनाडु द करेक्ट आंसर इज सी महाराष्ट्र क्वेश्चन 19 विज्ञान धारा स्कीम कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट विज्ञान धारा योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द करेक्ट आंसर इज सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ट्वेंटी इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है नजमुल हसन पापोन फारूक अहमद हबीबुल बशर या नन ऑफ द एहब करेक्ट आंसर इज फारूक अहमद क्वेश्चन ट्वेंटी वन विच मेडल डिट द इंडियन टीम विन इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप दो हजार चौबीस में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्स या बोथ गोल्ड एंड सिल्वर द करेक्ट आंसर इज बी सिल्वर क्वेश्चन ट्वेंटी टू इन विच स्टेट वॉज महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज इनाइग्रेटेड महाराष्ट्र के पहले सौर गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया सांगली सतारा सोलापुर या कोलहापुर द करेक्ट आंसर इज बी सतारा क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री हुटली टेकन चार्ज एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है गोविंद मोहन अजय कुमार भल्ला राजीव सिन्हा या दीज द करेक्ट आंसर इज ए गोविंद मोहन क्वेश्चन ट्वेंटी फोर अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है कमलेश कुमार सिंह एम सुरेश संजीव कुमार या राजीव कुमार सिन्हा द करेक्ट आंसर इज बी एम सुरेश क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन डेजिग्नेट ऑफ नैसकॉम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है प्रणव राज राजेश नाम्बियार देवजनी घोष या अजय अग्निहोत्री द करेक्ट आंसर इज बी राजेश नाम्बियार क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स With whom डिड द इंडियन नेवी recently साइन एन एग्रीमेंट फॉर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए रिलायंस पावर बीई एम एल लिमिटेड टेक महिंद्रा या टाटा स्टील द करेक्ट आंसर इज बी बीमएलड क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन विच इंडियन हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए प्लस रेटिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किस भारतीय को ए प्लस रेटिंग मिली है निर्मला रघुराम राजन शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल द करेक्ट आंसर इज सी शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है क्वेश्चन ट्वेंटी एट विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड अ ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया जापान या यूएसए करेक्ट आंसर इज सी जापान क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन बीन सिलेक्टेड एज selected फ्लैग India's फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ceremony पैरालंपिक Paris Paralympic 2024? Paris पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया नीरज चोपड़ा देवेंद्र झाझरिया सुमित अंतिल या मनीष नरवाल द करेक्ट आंसर इज सी सुमित अंतिल क्वेश्चन थर्टी पॉल काग्मे वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली केन्या रवांडा अर्जेंटीना या टर्की द करेक्ट आंसर इज बी रवांडा क्वेश्चन थर्टी वन बुद्ध देव भट्टाचार्यू पास अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे असम, सिक्किम वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर इज सी वेस्ट बेंगाल क्वेश्चन थर्टी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसली अवॉर्डेड द हाइस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया श्रीलंका फिजी फ्रांस या मंगोलिया द करेक्ट आंसर इज बी फिजी क्वेश्चन थर्टी थ्री विच कंट्री रिसेंटली इंप्लीमेंटेड राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेपाल या न्यूजीलैंड द करेक्ट आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें